दोस्तों सबसे पहले तो देखिए कि एक प्रोडक्ट का प्राइस है जिसकी प्राइस 35,690 रुपीज़ है। अगर मैं इसको बजाज नो कॉस्ट ईएमआई से लेता हूँ तो मुझे 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है और ये कॉस्ट मेरे को पड़ रही है 33,790 रुपये की। इतना ही नहीं, यहाँ पे मुझे 0% इंटरेस्ट पे मिल रहा है जिसको मैं 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने की ईएमआई पे ले सकता हूँ। तो इस तरह के अमेजिंग ऑफर चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में और साथ ही साथ में अमेजोन की फेस्टिव सेल्स में। तो ये दोनों ही जगह पे, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती कि आप लोगों को बजाज का नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड बनवाना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि इसको बनवाने का सही तरीका क्या है, कि इसमें आप 100% अप्रूवल पा सकते हो। दोस्तों हमने खुद अपने टीम मेंबर्स में से 5 लोगों का यहाँ पे एक ही प्रोसेस से अप्लाई करा, जिनका सिविल भी कम था, जिसमें से एक स्टूडेंट भी था, एक हाउस वाइफ भी थी, उन सब का यहाँ पे पांचों का कार्ड यहाँ पे अप्रूवल आ चुका है। किसी की 10,000, किसी की 20,000 की लिमिट, किसी की 70,000, किसी की 50,000, इस तरह की यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आई है। आप जितनी भी आपकी लिमिट आती है आपके सिविल स्कोर के बेसिस पे, उसके बेसिस पे आप उस लिमिट तक का यहाँ पे कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन यहाँ पे। तो अभी ज्यादा समय नहीं लेके हम सीधे बताएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, साथ ही साथ में इसका यूज कैसे करना है शॉपिंग करते समय, वो सब बताएंगे एक ही वीडियो में। अगर आप आज का ये वीडियो देख लेते हो तो आज के अलावा आपको दो ही दूसरा वीडियो बाजार से जुड़ा हुआ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अप्लाई करने के लिंक, डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम इस कार्ड को आखिर लेंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे, सही तरीका अप्लाई करने का क्या है। फिर हम सीखेंगे कि इसका कार्ड को हम यूज कैसे करेंगे शॉपिंग करने के लिए, कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, और हमें कैसे इसमें डिस्काउंट लेना है और हमारे कैसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, वो सब सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब या लाइक में प्रेस करिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। अब हम चलते हैं सीधे स्क्रीन पे और वहां ले जाके जानते हैं कैसे हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस कार्ड को अप्लाई करने से पहले एक चीज़ जान लो कि आपका अप्रूवल जब आ जाएगा तो एक फ़ीस लगेगी, 530 रुपीज़ ज्वाइनिंग फीस है, उसके ऊपर GST लग सकती है और ये कार्ड आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 599 मतलब टोटल हो जाता है अगर GST इंक्लूड कर लेते हैं तो, और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बेनिफिट जान के तो आप शॉक्ड हो जाओगे। तो वो तो बात की बात है, सबसे पहले तो हम अप्लाई करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं और गेट इट नाउ पे क्लिक करते हैं और जानते हैं कि अगला स्टेप यहाँ पे हमारे पास कौन सा निकल करके आता है। इसके बाद जैसे ही हम मोबाइल नंबर डालेंगे तो हमारे पास एक OTP आएगा, तो इस OTP को हम यहाँ एंटर कर देंगे या हम अलाउ भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा यहाँ पे पॉपअप आएगा जिसमें आपको अपनी डिटेल डालनी है, जैसे फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे पैन कार्ड ऑप्शनल है हालांकि आपको डाल देना है दोस्तों। तो ये सारी डिटेल आपको एक्यूरेट डालनी है, कोई भी डिटेल गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड नंबर डालें या ना डालें चल जाता, ऑप्शनल है ये। इसके बाद आपको पिन कोड सही डालना बिल्कुल ज़रूरी है, अगर आप पिन कोड गलत डालते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिटी डालनी है दोस्तों, और यहाँ पे सिटी डालने के बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड चुनेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड चुनेंगे। ठीक है, तो जो भी हो आपको सही सही यहाँ पे चुन लेना है और इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करके आपको कर देना है प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद आपको ऑफर आ जाएगा कि आपका इतना का अप्रूवल आया है, यहाँ पे देख सकते हो। प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन फिर आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 20,000 रुपये की लिमिट मिली है। तो मतलब 20,000 के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो नो कॉस्ट ईएमआई पे। ठीक है, नो कॉस्ट ईएमआई पे 20,000 तक के प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप ये करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन है, इस प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन में आपको कर लेना है क्लिक। ठीक है, इसको अप्लाई करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोगों को, आप लोग जाके लिंक के थ्रू ही जाके अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और हम जानेंगे इसके आगे कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें पूरे यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है और हमारा नाम रहेगा, सारी चीज़ें एड्रेस रहेगा जो कि आधार कार्ड से हमारा ले लिया जाएगा यहाँ पे, इसको हमें कन्फर्म कर देना है। इसके बाद हमें ज्वाइनिंग फ़ीस देनी है जो कि आपको मैंने बताई थी 599 रुपीज़ लगने वाली है, और फिर यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें अलाउ करना है लोकेशन, और आप UPI नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट को कर सकते हो। तो ये पेमेंट आपको करनी होगी, जैसे हमने यहाँ पे पेमेंट कर दी है, इसके बाद हमारा एक कार्ड ऑफर हो चुका है।
इसमें हमारा ये कार्ड नंबर दे रखा है, यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है। एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन में क्लिक करना है। और ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये हमारा रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसमें हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है दोस्तों, अपना अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर डालना है, और अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन मोड हमें सेलेक्ट करना है। इसमें हम OTP, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान होगा क्योंकि डेबिट कार्ड सबके पास होता है। OTP भी आपके लिए आसान हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे मैंडेट डिटेल आएंगी। इसमें हमें कार्ड नंबर डालना होगा, जो भी आपके पास डेबिट कार्ड हो, जिसकी भी आपने डिटेल दी हो, उसका डेबिट कार्ड का यहाँ पे नंबर डालना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना है, यहाँ पे आपको CVV नंबर डाल देना है। तो ये डिटेल डालने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद एक OTP आएगा रजिस्टर्ड बैंक वाले मोबाइल नंबर पे, उस OTP को हम यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये मैंडेट का ऐसा फॉर्म आएगा जिसको आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब आपका कार्ड सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुका है, अब आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको लिमिट भी देखने को मिल जाएगी, लोन लिमिट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे टोटल लिमिट देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो लोन भी यहाँ पे ले सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन आप अभी 20,000 रुपये तक का ही यूज़ कर सकते हैं, जितनी लिमिट रहेगी उतना ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे आप व्यू कार्ड पे जा करके अपने कार्ड यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, जा करके फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे डायरेक्टली, यहाँ पे EMI कार्ड का ऑप्शन रहता है तो वो ऐड यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्ड स्टेटस देखेंगे तो अभी एक्टिव यहाँ पे देखने को मिलने लगेगा, पहले आपको नॉन एक्टिव देखने को मिल रहा था, अब एक्टिव देखने को मिलने लगेगा, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, यहाँ पे बजाज फाइनेंस की एक ऐप डाउनलोड करना है, बजाज फाइनेंस की ये वाली ऐप डाउनलोड कर लेना। इसमें 4.3 स्टार की रेटिंग है दोस्तों, 4.8 स्टार की रेटिंग है, 10 करोड़ डाउनलोड है, बजाज फिनसर्व जिसमें लिखा हुआ, ये ऐप को डाउनलोड कर लेना है और आपको अपना कार्ड की डिटेल उस पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर करनी है, आपको बस ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और अपने कार्ड में आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपका जो सिम होना चाहिए, जो कि आपका जिससे आपने बनाया होगा सारा, तो वो इसी में मोबाइल पे होना चाहिए, आप दूसरे मोबाइल पे ज़रूर नहीं कर सकते, ठीक है ना, सेम मोबाइल सेम सिम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट ओपन करा है और फ्लिपकार्ट में मुझे मान लो एक फ़ोन चाहिए, यहाँ पे मान लो मेरे को वीवो का फ़ोन चाहिए और मुझे ख़रीदना है इसको नो कॉस्ट EMI पे, तो यहाँ पे आपको सामने ही दिख जाएगा कि इसमें नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है या नहीं है। अगर यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे तो 3,417 रुपये पर मंथ की EMI है, 6 महीने के लिए लिखा है नो कॉस्ट EMI विद बजाज फिनसर्व EMI नेटवर्क कार्ड। तो यहाँ पे हम सिंपली EMI के ऑप्शन में चलते हैं। EMI के ऑप्शन में चलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अभी खरीदने के ऑप्शन में जाना है और आपको अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद इसको सबमिट करना है दोस्तों, और सबमिट करने के बाद आपको दिख जाएगा कि आपके एरिया में ये अवेलेबल है या नहीं है शॉपिंग, ठीक है। बट अगर नो कॉस्ट EMI की आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे उस ऑप्शन में टिक करना है जहाँ लिखा है नो कॉस्ट EMI विकल्प वाले ऑप्शन ही बैंक दिखाएं, तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें सिर्फ वो ऑप्शन दिखेगा जिसमें हमें नो कॉस्ट EMI देखने को मिलेगा। तो अगर आप नो कॉस्ट EMI वाले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजाज का EMI कार्ड भी आपको देखने को मिलता है और बाकी आपको EMI कार्ड वाले ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा है नो कॉस्ट EMI बजाज के साथ आपको देखने को मिलेगा, इसके जब खरीदेंगे आप तभी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं आपको पेमेंट ऑप्शन में दिखाऊं तो यहाँ पे मैं अकाउंट में चलता हूँ। अकाउंट में जाने के बाद आप जाएंगे तो यहाँ पे एक पेमेंट ऑप्शन होगा आपको, तो वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में जा करके आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे हम तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक नो कॉस्ट EMI कार्ड भी ऐड करा हुआ है जो कि मेरे ब्रदर के नाम का है, तो आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कोई भी चीज़ ख़रीदना है आपके अगर एरिया में अवेलेबल है तो आप नो कॉस्ट EMI में ख़रीद सकते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ख़रीदना है नो कॉस्ट EMI में तो वो भी यहाँ पे ख़रीद सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए लैपटॉप मुझे ख़रीदना है नो कॉस्ट EMI में, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस पर सेलेक्ट करूँगा और देखूँगा इसमें कि नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है या नहीं है, तो इसमें अवेलेबल है दोस्तों। और यहाँ पे EMI पेमेंट में भी ख़रीद सकते हो, यहाँ पे जा करके आपको 2 साल की वारंटी भी मिलेगी दोस्तों इस पर। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं ख़रीदने पे जाते हैं तो कंटिन्यू विथ EMI का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे हम। इसमें क्लिक करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। पेमेंट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको कुछ ऑफर देखने को मिलेंगे जिसमें अलग अलग EMI विकल्प के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे EMI के लिए आपको कुछ 2-3 काम करने हैं,
अगर आप यहाँ पे EMI HDFC बैंक के थ्रू लेते हो तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड के थ्रू भी डिस्काउंट मिलने वाला है। आप सभी EMI विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पे नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन बजाज फिनसर्व में दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आपको 2000 रुपये का बैंक ऑफर डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसका प्लान भी चुन सकते हैं, नो कॉस्ट EMI में कितनी किस्तें आप बनवाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप कम किस्तें बनवाना चाहते हैं तो किस्तें आपकी ज़्यादा बनेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 9-9 महीने तक की नो कॉस्ट EMI मिल जाता है आपको इसमें। तो यहाँ पे आप प्लान चुन सकते हैं। प्लान चुनने के बाद आपको सिंपली अपना कार्ड यहाँ पे जोड़ देना है, या नो कॉस्ट EMI कार्ड। और एक कार्ड मैंने और ऐड करा था जो कि अभी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको नया कार्ड ऐड बनवाना होगा, नया कार्ड ऐड करना होगा। अब ये कार्ड कैसे बनवाते हैं?